नियमों को ताक में रखकर अपनी गाड़ी में हूटर लगाने वालों को पुलिस ने चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा कि यदि वाहन चेकिंग के दौरान किसी भी निजी गाड़ी में हूटर लगे हुए मिले तो वाहन चालक पर बड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल पिछले सप्ताह हरिद्वार में भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की थी। भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने हूटर लगी गाड़ी को चलाकर ट्रैफिक रूल तोड़ा था, साथ ही पुलिस वालों को भी भला बुरा कहा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है और हूटर लगी निजी गाड़ियों पर रोक लगा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो या आम व्यक्ति, नियम सबके लिए एक जैसा है। अगर चेकिंग के दौरान किसी निजी गाड़ी में हूटर लगा पाया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, कुछ इंसिडेंट बीच बीच में आते हैं जब भी ये हूटर का जो है गलत प्रयोग जो है प्राइवेट लोगों द्वारा किया जाता है, चूंकि ये मैंडेटरी सिर्फ पुलिस के वाहनों या इमरजेंसी सर्विसेज के एम्बुलेंस या फायर सर्विस इसी तरह के लोग ही यूज़ कर सकते हैं ऐसी इमरजेंसी के समय में। ये प्रकरण अभी कुछ दिन पूर्व भी आया था, जो चिला मार्ग के था, जो पौड़ी की जो चौकी वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट आया हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में भी अभियान के तौर पर हूटर हो चाहे अन्य जो एमवी एक्ट के तहत जो हमारी कार्रवाई होती है वो की जाती है। भविष्य में ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसमें एमबीएड के प्रावधानों के तहत जरूर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।